Good evening everyone, welcome to the channel once again, BHG Pathshala. And if you are new to this channel, so kindly subscribe this channel and like our videos as much as you can. So, आज हम एक नया टॉपिक करेंगे प्रॉब्लम ऑन एजेस और प्रॉब्लम ऑन एजेस समझने के लिए अगर आप हमारे प्रीवियस अपलोड वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो उसको देख लें और उसका वो इंश्योर कर लें तो वीडियोस देख लिए हैं। तो जैसा कि मैंने आपने लेक्चर में बताया, जब मैंने आपको सिलेबस बताया था और जब रेशियो प्रोपोर्शन की अपन बात कर रहे थे तो मैंने बताया था प्रॉब्लम ऑन एजेस रेशियो प्रोपोर्शन का एक पार्ट है, ठीक है। तो वो आज हम सवाल करेंगे, कुछ सवाल, एक दो सवाल मैंने आपको रेशियो प्रोपोर्शन के आखिरी वीडियो में कराए थे। आज हम वो बेस्ट 10 क्वेश्चंस में आज आपके सामने लाया हूँ और वही बेस्ट 10 क्वेश्चंस आपने अगर कर लिए तो देन बिलीव मी यू डोंट नीड टू पुट एनी एक्स्ट्रा एफर्ट्स ऑन दिस टॉपिक कॉल्ड प्रॉब्लम ऑन एजेस। तो आइए इसका आगाज करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन आपका साफ है कि सचिन इज यंगर देन राहुल by 4 years. If their ages are in the ratio 7:9, how old is Sachin? जो है आपका क्वेश्चन बैंक पीओ 2003 में क्वेश्चन आया है। तो देखिए और ऑप्शन इसके मैं आपको बता दूं, इसके ऑप्शन है 16 इयर्स, 18 इयर्स, 28 इयर्स, एक है सीओडी, सॉरी सीबीडी कैन नॉट बी डिटरमाइंड, और एक है आपका नन ऑफ दिस। तो जैसा कि मैं अपने हर लेक्चर में बोलता हूँ, जब क्वेश्चन इंट्रोड्यूस कराता हूँ कि एक बार वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करें सो दैट आपको भी उसका फायदा होगा। चलिए अब हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए हमें दे दिया है कि सचिन जो है राहुल से 4 साल छोटा है और उनका जो रेशियो है वो 7:9 है, यानी कि 7 राहुल का है, सॉरी 7 सचिन का है और राहुल का 9 है। अब दोनों में डिफरेंस कितने का है? 2 parts, ठीक है, 7 part और 9 part, 2 parts का डिफरेंस है जो आपके 4 के बराबर है। क्योंकि आप ये लाइन अगर आप पढ़ेंगे सचिन इज यंगर देन राहुल बाय 4 years, तो ये 2 parts आपका 4 years, तो एक पार्ट आपका क्लियरली 2 years का हो जाएगा। और जब एक पार्ट टू और हमसे पूछिए सचिन की उम्र 7 to 14 एंड 14 चूंकि हमारा आंसर रहेगा और ऑप्शंस में नहीं है तो नन ऑफ दिस का आंसर रहेगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखिए बिल्कुल सिंपल टॉपिक है ये और काफी इसमें को जो है ना प्रेशर प्रोशन कर ले तो कोई ज्यादा दिक्कत भी नहीं है, इजीली मैनेज होने वाले टॉपिक्स में से ये है। क्वेश्चन भी इसमें काफी आई जाते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा स्कोरिंग हो जाता है पॉइंट, और जब आप पॉइंट स्कोर कर लेते हैं तो दूसरे टॉपिक्स में आसानी से जो है उसको कवर कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला सवाल जो है हमारा वो है The ratio between the present ages of P and Q is 6:7. If Q is 4 years old than P, what will be the ratio of their ages after
फोर इयर्स। ये आपका सवाल SBI PO 98 में पूछा गया है, 1998 में। इसके जो ऑप्शंस हैं, पांच ऑप्शंस, वो है 20:4, 20:5, 4:3, डाटा इंडेलिकोइड और नन ऑफ दीस। तो देखिए, ये भी पिछले पैटर्न का क्वेश्चन है ये, और ज्यादा भी कुछ कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज भी नहीं है इसकी, सब साफ साफ दिया है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। प्रेजेंट रेशियो जो है वो आपको 6:7 दिया गया है, ठीक है, और उसमें आपको ये दे दिया गया है पी एंड क्यू का 6:7 दिया है, एंड क्यू इज 4 इयर्स ओल्ड, यानी कि क्यू का 7 होगा, है ना, पी छोटा है कि बड़ा है, वो 4 है, और इसमें एक पार्ट का डिफरेंस है, और एक पार्ट का डिफरेंस 4 के बराबर है ना। तो रेशियो इट इज आफ्टर 4 इयर्स, आफ्टर 4 इयर्स। तो देखिए, 6 4 24, 7 4 28, अब इसमें 4 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 28, ये हो जाएगा 32, ठीक है। 4 7 4 8 7:8 ऑप्शन में नहीं, ऑप्शन में नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस इसका आंसर हो जाएगा, जबकि करेक्ट आंसर इसका 7:8 है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, और ये अगला सवाल जो है, देखिए मैं उम्मीद करता हूँ आपको काफी अच्छे से ये टॉपिक समझ में आ रहा होगा, क्योंकि काफी इजी है, रेशियो प्रोपोर्शन भी आप लोग कर चुके हैं, तो कोई ज्यादा दिक्कतें आपको नहीं आ रही होगी। इन केस आपको आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन पे जो है मुझसे पूछ सकते हैं, और कमेंट सेक्शन में आप मुझसे ये सवाल पूछ सकते हैं डाउट्स में, और फिर भी नहीं हो रहा तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं हो पा रही है, रेशियो प्रोपोर्शंस के वीडियो एक बार और देख सकते हैं। तो अगला सवाल, द रेशियो बिटवीन प्रेजेंट एजेस ऑफ 3 and 2 इज 5:7 इफ द डिफरेंस बिटवीन क्यूज प्रेजेंट एज एंड पीज प्रेजेंट एज After six years is 2, what is total of P's and Q's present ages? बैंक पीओ 1999 में ये सवाल आया है। इसके जो ऑप्शंस हैं, इसके जो ऑप्शंस जो हैं वो मैं अभी लिख रहा हूँ। फर्स्ट ऑप्शन इसका है 48, ब्लू वाला ब्लू। फर्स्ट ऑप्शन इसका है 48 इयर्स। सेकेंड ऑप्शन इसका है 52 इयर्स। थर्ड ऑप्शन है 56 इयर्स। फोर्थ है COD, तो CBD कैन नॉट बी डिटरमाइंड, और फिफ्थ है नन ऑफ दिस। लैंग्वेज पढ़ के तो आपको यही लग रहा होगा इसका आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड होगा, बट अगर आप फोर्थ ऑप्शन सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए हम इसको फिर से पढ़ेंगे। द रेशियो बिटवीन प्रेजेंट एजेस ऑफ पी एंड क्यू इज 5:7। रेशियो उनका जो वर्तमान उम्र का है वो 5:7 है। इफ द डिफरेंस बिटवीन क्यूज प्रेजेंट एज एंड पीज प्रेजेंट एज आफ्टर 6 इयर्स इज 2, मतलब जो डिफरेंस है क्यू की प्रेजेंट एज का और पी की प्रेजेंट और पी की
प्रेजेंट एज के 6 साल बाद जो है पीस एज आफ्टर 6 इयर्स, पीस एज प्रेजेंट नहीं आएगा सॉरी, पीस एज आफ्टर 6 इयर्स। तो डिफरेंस जो है क्योंकि प्रेजेंट एज का और पी की एज जो 6 इयर्स बाद जो होगी उसका डिफरेंस 2 है। तो व्हाट इज टोटल ऑफ पीस एंड क्यूज प्रेजेंट एजेस, लाइक ये जो है इसकी कोई शॉर्ट रखेगी तो उसको हम बेसिक स्कूल मेथड से करेंगे, और जो कि बड़ा नहीं, क्योंकि होता क्या है जो फंक्शन स्कूल मेथड से बनता है वो छोटा होता है। तो देखिए 5x और 7x लेंगे हम, 5x p को लेंगे और 7x q को लेंगे। अब देखिए डिफरेंस बिटवीन q's प्रेजेंट एज, q's प्रेजेंट एज एंड p's एज आफ्टर 6 इयर्स, p's एज After 6 years is 2, ये हमारी इक्वेशन बनती है। क्योंकि हम साइन खोल देंगे पॉडमास रूल, ये उधर जाएगा 8 2x x = 4, x इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 4। अब देख पूछा क्या है पीस एंड क्यूज की प्रेजेंटेज का टोटल, प्रेजेंटेज ये है 4 में रखेंगे 20, 4 में रखेंगे 28, 20 + 28 हो जाएगा 48। 48 is the correct answer, which is option number A. Which is option number A. तो देखिए थोड़ा ये language से डाला, थोड़ा technical question था, but आप देखिए काफी जो है आसानी से सवाल जो है हमने बन लिया। अगले सवाल की ओर हम जाएंगे। अब तो अगला सवाल जो है वो है एट प्रेजेंट रेशियो बिटवीन एजेस ऑफ अरुण एंड दीपक 4:3 after 6 years Arun's age will be 26 years, find Deepak's present age. Deepak's present age. सवाल आपका अरबी 2003 का है, अरबी 2003 का सवाल है। तो इसके ऑप्शंस हम देखते हैं, फर्स्ट इज 12 ईयर्स, सेकेंड है 15 इयर्स, थर्ड है आपका 19.5 इयर्स और फोर्थ ऑप्शन है 21 इयर्स। तो देखिए 4:3 रेशियो है आफ्टर 6 इयर्स, अरुण्स एज विल बी 26। अब देखिए 6 साल 26 होगी तो अभी कितनी होगी 20, अरुण की आपको एज जो है 20। और पहले एक बार हम लिख लेते हैं अरुण और दीपक की जो एज का रेशियो है वो 4:3 है, ठीक है। 6 साल बाद 26 होगी तो अभी कितनी 20 है, तो 4 parts = 20, एक 20 एक पार्ट कितने का होगा 5 का, 5 3 = 15, वेरी सिंपल, और 15 इज द करेक्ट आंसर। एक बार थोड़ा सा एक बार फिर से देख लीजिए, 4 parts थे 20, देखिए 26 साल की 6 साल बाद होगी अरुण की उम्र, तो अभी कितनी है 20, 4 parts कितने हैं, 4 parts हैं 20 के बराबर, एक पार्ट कितने का होगा 5 का, तो 3 पार्ट कितने के होंगे, तो 5 3 = 15 एंड ए ऑप्शन जो आपका सेकेंड ऑप्शन है वो आपका इसका सही आंसर है।
देखिए एजेस के सवाल ऐसे ही होते हैं, उसमें कुछ बड़ा है नहीं। तो अगला सवाल, प्रेजेंट एजेस ऑफ एक्स एंड वाई आर इन रेशियो आर इन रेशियो 5:6 7 years hence, this ratio will become 6:7. Find x present age ये तो सवाल जो है आपका बैंक पीओ 2003 में आया है। बैंक पीओ 2003 में सवाल पूछा गया है और इसके 5 ऑप्शन है। फर्स्ट 35, सेकेंड 42, थर्ड इज 49, फोर्थ इज कैन नॉट बी डिटरमाइंड, और फिफ्थ इज नन ऑफ दिस। ठीक है, तो देखिए एजेस का जो रेशियो एक्स और वाई का वर्तमान का 5:6, 7 साल का रेशियो 6:7 होता है। प्रेजेंट एज देखिए इसमें दो कॉलम बनाए गए हैं, ठीक है, एक्स और वाई, और प्रेजेंट आफ्टर 7 ईयर्स, ठीक है। प्रेजेंट में कितनी है, एक्स 5 है तो 6 वाई 6 है, 7 साल में कितनी है, एक्स 6 है तो वाई 7 है। कितने का पहले हम देख लेंगे कि इनके बीच का डिफरेंस कितना है, एक हम लेंगे, मतलब रेशियो इनका सही बना है, अगर नहीं होता तो हम उसको करेक्ट करते, और एक से कम है 5:6 6:7, यहाँ पर भी एक का डिफरेंस है, वो एक का डिफरेंस 7 के बराबर है, ठीक है। अगर आप ये लाइन थोड़ा जो फर्स्ट 2 लाइन होता है, फिर पूरे क्वेश्चन जो है यहाँ तक का उसको ध्यान से पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे। तो एक पार्ट चूंकि 7 के बराबर है और हमसे बोला गया है एक्स की प्रेजेंट एज निकालना, तो 7 × 5 विल बी 35 और 35 हमारा ए ऑप्शन और जो हमारा करेक्ट आंसर होगा। इस सिंपलिसिटी के साथ सवाल इसमें होते हैं, लेकिन कई उसमें टेक्निकल सवाल आते हैं बट वो यूईटी में नहीं आते हैं, वो आपके अन्य प्रोफेशनल एग्जाम्स में, प्रोफेशनल वनडे एग्जाम्स में आते हैं, सिकैट में आता है, बैंक पीओ में आता है। तो अगला सवाल, प्रेजेंट एजेस ऑफ समीर एंड आनंद, आर इन रेशियो 5:4 3 years hence the ratio will be 11:9. Find Arnold's present age. प्रेजेंट एज आरबीआई 2003 का एक सवाल है। जो उसके पास ऑप्शन है वो है 24, 27, 40, कैन नॉट बी डिटरमाइंड और नन ऑफ दीज। चार थोड़ा अच्छे से बना देता हूँ, तीस
दूसरा ऑप्शन आपका जो है 40 40 के लिए। तो देखिए हम पहले उसको वही करेंगे, रेशियोज देखेंगे इसका, समीर और आनंद जिसका प्रेजेंट है, प्रेजेंट रेशियो है 5:4 और 3 years बाद, यानी 3 years hence हो जाएगा 11:9। ठीक है, पहले हम डिफरेंस देखेंगे, इधर 2 है इधर 1 है, तो डिफरेंस को बराबर करना पड़ेगा, तो हम इसमें 2 इंटू करेंगे, तो वो जो हमको 10 देगा हमको 8 देगा ना, वो देखिए डिफरेंस बराबर है। अब वो तीन साल जो है एक पार्ट के कारण है, देखिए 10 से 11 हो गया, मतलब जो एक पार्ट तीन साल के कारण, 10 से 11 हो गया, 8 से 9 हो गया, 3 साल का एक पार्ट हो गया आपका 3 साल के कारण, ठीक है, एक पार्ट की जो वैल्यू होगी वो 3 इयर्स हो गई। आपको पता करनी है आनंद की प्रेजेंट एज, तो देखिए जब भी हम इसको सॉल्व करते हैं ना, तो जब हम जो नया वाला निकालते हैं कॉन्सेंट्रेट करके जो नया निकालते हैं, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, अगर आप इसमें करेंगे तो आंसर आपको गलत हो जाएगा, आप इसको 10 में करेंगे तो 10 3 30 एंड नन ऑफ इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 5। एक मिनट, आनंद पूछा है ना, सॉरी आनंद पूछा है 8, तो 8 3 24 एक पार्ट 3 है, 8 हमें चाहिए, 8 3 24 ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो ये जो 6 सवाल अभी तक हमने किए हैं, आगे भी करेंगे, 4 हम और करेंगे, तो आप समझ सकते हैं कितने ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगला क्वेश्चन है, 6 years ago the ratio of ages of Kunal and Sagar was Kunal and Sagar was 6:5 4 years hence the ratio of ages will be 11:10 What is Sagar's age? Sagar's present age. Bank PO 2004. इसके ऑप्शन है वो है 16, 18, 20 कैन नॉट बी डिटरमाइंड और नन ऑफ दिस। तो देखिए रेशियो पहले हम उसका लिख रहे हैं, 6 साल पहले जो एज थी कुणाल और सागर की 6:5 थी 6 साल पहले, ठीक है 6 साल पहले ये एज थी, और 4 साल बाद, 4 साल बाद जो एज थी वो हो गई 11:10, ठीक है, डिफरेंस भी सेम है बीच का। तो अब आप ये देखिए 5 पार्ट का फर्क है, 6 से 11, 5 से 10, 5 पार्ट का फर्क है, लेकिन ये फर्क 10 साल का होगा ना कि 4 का, क्यों? क्योंकि प्रेजेंट एज मान लीजिए उसकी अभी प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज उसकी है यहाँ पे 6 साल पहले और 4 साल बाद, तो यानी कि 10 साल, 6 और जो 4 आपका क्योंकि ये प्रेजेंट एज है, ये इसकी P-6 है, ये इसकी P+4 है, ठीक है, तो उस कारण से 10 साल है। तो 5 पार्ट जो होंगे आपके वो 10 के बराबर है, यानी कि 1 पार्ट आपका 2 के बराबर है, ठीक है। तो सागर की प्रेजेंट एज हमको चाहिए, तो देखिए जैसे इसमें हम पुट करते हैं 5 2 10, ठीक है, इसमें हम करते हैं 5 2 10 सागर की प्रेजेंट एज, ठीक है, और उसमें 6 ऐड करते हैं,
तो आता कितना है 16, और जो कि हमारा ए ऑप्शन है, सिक्स क्वेश्चन का ए आंसर। अगला क्वेश्चन हम करते हैं। अगला सवाल, द टोटल एजेस ऑफ जयंत, प्रेम एंड सारांश इज 93 इयर्स। 10 इयर्स अगो the sum was, the ratio of their ages was 2:3:4. Find Saransh, present age. पॉइंट सारांश प्रेजेंट एज, और जिसके चार ऑप्शंस हैं वो कुछ इस प्रकार है, 24, 32, 34 और 38। अब देखिए टोटल एज जो है, टोटल जो उनकी उम्र का ये है जिसका वो 93 है, और 10 इयर्स पहले ये रेशियोस का 2:3:4 था, तो 10 इयर्स अगो उनका रेशियो था जयंत प्रियंत और सारांश का वो था 2:3:4। अब लोग आपको लग रहा होगा ये इन्फॉर्मेशन हमारे किस काम की है, तो ये किस काम की है, तो देखिए ये 10 साल पहले का रेशियो था, तो 10 साल पहले का भी टोटल क्या होगा, तो 93 में से हम 30 माइनस करेंगे, 30 जो भी टोटल है, तो 10 साल 10 सबसे सबकी उम्र से घटेगा तो वो 63 हो गया। ठीक है, अब 3:5:9, जो 9 पार्ट होंगे आपके 63 के बराबर होंगे, यानी कि एक पार्ट आपका 7 के बराबर होगा, एक पार्ट आपका 7 के बराबर होगा, और आपसे उसकी सारांश की जो है प्रेजेंट एज पूछी गई है। ठीक है, तो अभी हम सारांश की एज है तो 7 4 28, और उसमें 10 साल तो 38, सो ऑप्शन 4 वुड बी द करेक्ट आंसर। आखिरी के दो सवाल बचे हैं, उसके बाद हम वीडियो कंक्लूड करेंगे। अगला सवाल है वही है, द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ टू ब्रदर्स इज 1:2 एंड 5 years बैक रेशियो वॉज 1:3। वॉट विल बी रेशियो आफ्टर 5 years? आफ्टर 5 years SSC 2002 के जो ऑप्शन है वो है 1:4, 2:3, 3:5 और 5:6। तो देखिए पहले हम इसको क्या करेंगे, प्रेजेंट एज ऑफ टू ब्रदर्स इज 1:2, तो प्रेजेंट एज ठीक है, और एक एज है 5 years बैक,
इसको यहाँ लिख लेते हैं 5 years back. ठीक है, आपकी एक एक ब्रदर का नाम ए ले लेते, ब्रदर का नाम बी ले लेते. तो प्रेजेंट एजेस है 1:2 और 5 साल पहले एज थी 1:3. पहले हम याद देखेंगे तो यहाँ देखिए 2 आ रहा है, 1 आ रहा है, तो यहाँ 2 मल्टीप्लाई करेंगे हम जो देगा 2:4. अब आप देखिए तो 5 years 1 से 2 part 5 साल में, तो एक पार्ट आपका 5 साल का हो जाएगा. ठीक है, तो प्रेजेंट एज हम देखेंगे निकालेंगे तो यहाँ डालेंगे हम इसमें डालेंगे 5 2 10, 5 4 20, 5 हम और ऐड कर देंगे उसमें. ठीक है, 5 और ऐड कर देंगे हो जाएगा 15 और वो हो जाएगा 25. तो 5 3 5 5 3 5 means option 3 is the correct answer. तो आज के लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का हम करने जा रहे हैं. Hitesh is 40 years old. And Ronnie is 60 years old. How many years ago was the ratio of ages 3:5. ठीक है, और इसके जो ऑप्शंस हैं वो है आपके 5, 10, 20 और 30. देखिए ऐसे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने के बजाय हिट एंड ट्रायल मेथड का इसमें सहारा ले सकते हैं. तो देखिए जैसे पहला ऑप्शन हमारा 5, तो दोनों में 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 कितना 35 देगा और 60 का करेंगे 55. क्या हम इसको 3:5 अप्लाई कर सकेंगे? तो ये 3 से तो जाएगा नहीं, तो फर्स्ट ऑप्शन कैंसिल. सेकेंड ऑप्शन पे आते हैं तो 40 में से 10 घटाया 30 और 60 में से 10 घटाया 50, कैंसिल करेंगे 3:5 10 से जाएगा जाएगा, तो 3:5 हमको 10 से मिलता है, तो 10 हमारा करेक्ट आंसर होगा. और एक बार हम 20 से भी करके देखते हैं, जैसे 20 से अगर हम करेंगे ताकि हम देख लें 20 से कर लेते हैं तो कितना 20 जाएगा, जैसे कितना जाएगा 40, कितना बने 1:2 नहीं हो पाएगा, ये भी गया. और 37 अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इधर से आता है आपका 3 और इधर से आपका आता है इसको करेंगे तो 23 है ना, इधर से भी नहीं होगा. तो आपका जो हिट एंड ट्रायल मेथड बहुत ही इजी मेथड से आपने 10 आंसर इसका हो गया. सो दैट्स, तो यहाँ से हम अपना चैप्टर भी कंक्लूड करते हैं, साथ साथ वीडियो भी कंक्लूड करते हैं. एंड दैट्स फ्रॉम माय साइड, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, डू लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर मैक्सिमम फ्रेंड्स एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल बीएचयू पाठशाला, एंड सी यू लेटर द नेक्स्ट वीडियो. मीनवाइल थैंक यू, हैव अ नाइस डे.